ये देख सकते दोस्तों, ये है वंडरलैंड। जी हाँ दोस्तों, अब भाई मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ यार, अंदर तो जाने नहीं दे रहा। मैंने बात किया था उनसे कि भाई कुछ अंदर जाके वीडियो शूट करूँगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। सही बात है भाई, वर्कर हैं, उनको भी नौकरी का अपना डर रहता है। तो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है मानेंद्र, राजधानी गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ वंडरलैंड। जी हाँ दोस्तों, वंडरलैंड। अभी गर्मी का सीज़न है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी है। ऐसा लगता है कि दिन भर पानी के अंदर घुसे रहो। तो मैं सोचा चलो आज क्यों ना आप लोगों के लिए वंडरलैंड बना कर वीडियो बना दूँ। देखिए देख सकते दोस्तों, ये है वंडरलैंड। जी हाँ, रायपुरा इंद्रप्रस्थ में है ये वंडरलैंड। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, लगभग 400 से 500 समथिंग कुछ दिन पहले गए थे, है ना मेरे दोस्त लोग, तो वो बताया करीब 400 रुपये रेंट है, मतलब किराया है अंदर जाने का, एंट्री मतलब जो लेते हैं अपन, है ना, वंडरलैंड में। तो दोस्तों आप अपने दोस्त या परिवार या फैमिली के साथ, आप ऐसा लगता है कि रायपुर आए हैं, एक तो दो जगह है बता रहा हूँ, और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जैसे जैसे वंडरलैंड वगैरह है, ये टाइप की जगह जाना चाहते हैं, तो रायपुर में दो जगह, एक तो MM फन सिटी है और दूसरा ये वंडरलैंड है। तो दोस्तों यहाँ आकर के आप अपने दोस्त यार या फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है दोस्तों, बस दिक्कत ये है मेरे, जितना बन रहा है मैं उतना शूट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन है नहीं, और मैं उतना पैसा खर्च भी नहीं कर सकता दोस्तों कि अंदर जाके 400-500 रुपये दूँ खाली नहाने का। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये वंडरलैंड है। आप हाँ, यदि आपको शौक़ है भाई, आप दूसरी बात होते, कई लोग शौकीन और शौक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, ये बात सही है दोस्तों। यदि आपको आने की इच्छा है, आप परिवार दोस्त यार के साथ, है ना, तो बिल्कुल आइए। ये वंडरलैंड है, और ये कहना चाहिए रायपुरा में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आपको MM फन सिटी जाने के लिए बहुत दूर पड़ेगा, और ये बहुत नज़दीक है, ये बस स्टैंड से लगभग 5-6 किलोमीटर है, और रेलवे स्टेशन से लगभग 12-13 किलोमीटर है, और वो वाला MM फन सिटी जाएंगे तो लगभग 20-22 किलोमीटर पड़ जाएगा, है ना। तो ये आपको नज़दीक भी पड़ेगा, पास में सरोना स्टेशन भी है, बस भाटागांव बस स्टैंड भी है, वहाँ से आप आराम से, मतलब ये टाटी वन से, मतलब जो रोड, मतलब टाटी वन से जो जाते हैं ना भाटागांव के लिए, उस रोड पे मैं वो आगे आपको बताऊंगा। ये देख सकते दोस्तों, है ना, ये काउंटर है, टिकट काउंटर है, यहाँ लोग टिकट वगैरह कटा रहे हैं, और यहीं से अंदर एंट्री भी जाते हैं, और क्या बोलते हैं, देख सकते भीड़ है, लोग पब्लिक लोग जा रहे हैं, है ना। और ये बगल में दिखा रहा हूँ, ये काउंटर है, यहीं से टिकट कटा के लोग अंदर जाते हैं, लगभग 400 के आसपास किराया है कुछ। और ये दोस्तों हम आ गए रिंग रोड में, देखिए जो गाड़ी आ रही है पूरा भाटा गांव बस स्टैंड पतपेड़ी नाका साइड से आ रही है ना। यदि आप उस साइड से आते हैं तो यहाँ उतर जाना है ना, कहाँ, इंद्रप्रस्थ में, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो आपको मान लो बस स्टैंड पतपेड़ी नाका है, उड़ीसा रोड या धमतरी रोड से आ रहे हैं, तो या बस स्टैंड से भाई उड़ीसा भी आएंगे बस से भाई बस, तो फिर बस स्टैंड उतरेंगे या पतपेड़ी नाका, वहाँ से उतरना है, और ये जा रही सीधा टाटी बन की ओर। यदि टाटी बन से आते हैं तब इधर उतर जाना, उस पर उतारेगा हालांकि सड़क के उस तरफ। और वीडियो पसंद है तो लाइक करना दोस्तों, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों इंद्रप्रस्थ बोलना, नहीं तो ये होंडा कंपनी का एक कार है ना, कार तो सभी जानते ही होंगे, होंडा कंपनी का शोरूम बोलिएगा, कार का शोरूम, वहाँ पर उतार दीजिए, और उसके अपोजिट साइड में आपको आ जाना है। मैं इस पार खड़ा हूँ, और ये देखिए ये दो रास्ता है, भाटागांव बस स्टैंड पतपेड़ी वगैरह से आता है, तो आपको इसी पार उतारेगा, उस पार नहीं उतारेगा, है ना। ये देखिए कुछ ऑटो वगैरह, ई रिक्शा वगैरह जा रहे हैं, आप यहाँ उतरिए दोस्तों, है ना। और यहाँ से यदि आप ऑटो वगैरह में आए हैं तो फिर यहाँ से आप 50-60 रुपये दे दीजिए, ई रिक्शा वाले को आपको अंदर तक छोड़ देगा, ठीक है। और बस स्टैंड से आते हैं तो यहाँ तक आएंगे मेन रोड से, तो आपसे 20 रुपये ले जाएगा, और 20 लेने के बाद यहाँ से अंदर जाएंगे, 50-60 रुपये आपको पर्सनल छोड़ देगा, ठीक है। तो ये मेन रोड से दोस्त मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर होगा, है ना। तो आप ई रिक्शा वगैरह कोई भी ऑटो जा रहे हैं तो उसको 50-60 रुपये दे करके वहाँ तक जा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।